माइक्रोसॉफ्ट आईबीएम FedEx, Gap, गैप ट्विटर स्टारबक्स Chanel, गैप नोकिया Pepsi. आपका पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मद्रसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा आज वो जो मद्रसे है उधर बच्चे जवान हो गए उन बच्चों ने क्लेशन को पकड़ ली और वो भारत है वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था मगर उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि वो पाकिस्तान के बजाय भारत में पढ़ना चाहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है छब्बीस ब्रांच हैं उनकी ट्वेंटी और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, है, है अपने टेक्नोलॉजी अपने मजाइल अपने रॉकेट्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग लोकल चीजें अगर हम ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अप, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या एक्सपोर्ट कर... तो छोटा सा क्लिप देखा है यहां पर बात हो रही है भारत में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो मदरसे हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा कंपैरिजन नहीं है आपने देखा साजिद तरार प्लस कमर चीमा बात कर रहे हैं प्लस पाकिस्तान की थोड़ी सी पब्लिक भी थी छोटे से क्लिप में आगे भी देखने को मिलेगा तो भारत ने जो तरक्की की है ऑब्वियसली एजुकेशन uh, पे ध्यान दिया गया और भारत के बच्चे जो यू में जाए गए और वहाँ पर उन्हें फैसिलिटीज़ मिली तो उन्होंने ताबड़ तोड़ सबसे आगे निकल गए अगर आप डेटा देखें तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब साल मदरसों पर इन्वेस्टमेंट करता रहा इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए उन बच्चों ने क्लेशन को पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लेशन को छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए और वो भारत है वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा तरीका कारण देखे ना एक आपकी आप डेस्टिनेशन जाना हो आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है छब्बीस ब्रांच हैं उनकी ट्वेंटी सिक्स और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एम आई एमआईटी में दाखला मिलना आसान है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखला मिलना मुश्किल है आज मैं मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं अमेरिका के अंदर फॉर्चून 500 हंड्रेड के साठ सीईओ जो है वो भारतीय ये उसका रिजल्ट है ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था मेरा मतलब आप सोच मैं, मैं सिर्फ थोड़ी चंद सीओ बताना चाहूंगा गूगल माइक्रोसॉफ्ट आईबीएम फेड गैप ट्विटर स्टारबक्स बार्कले शनेल गैप नोकिया और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा मैं अब यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है मैं पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं दिस मेरा दुख है गौरव है मेरे अपने मादरे मिलत के लिए अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि लोगों का लोग doesn't have IQ, लोग लैंग्वेज देखे ना लोगों के पास तालीम हो जो बिक रहा हो तो लाजमी चैनल भी बना लेना क्योंकि चैनल तो कारोबार है लोग तो कारोबार एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पर बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो मेरे जो है जो मेरे एंकर भाई हैं उनको सारा दिन पहले वो ट्रांसलेट करना पड़ती मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं देखें हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौन खरीदना चाहती है देखे ना अखबार खबर न्यूज अगर सिर्फ वही वो, वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो क्या वो कह रहे हैं है मेरे, मेरे नउज है। बिला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ आप मीटीआई के लिए काम करो नउूज बिला आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था इक्कीसवीं सदी का पैगंबर है तो देखे ना वो आप उस जिहाद उस मोड से जो ज़ियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर इसके लिए भारत के मुख्तु यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है तकरीबन तेरह हजार से भी ज्यादा अफगान स्टूडेंट्स भारत में पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को तो भारत की जानब से स्कॉलरशिप भी दी गई है पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान की बजाय भारत में पढ़ना चाहते हैं और अफगान स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि वो भारत के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं ना कि पाकिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स ने स्टडीज के लिए इंडिया के डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया है कोविड के दौरान 2000 के करीब जो हैं स्टूडेंट्स इंडिया से अफ़गानिस्तान वापस आ गए थे वो भी दोबारा वापस जा रहे हैं पाकिस्तान ने इंडिया के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान के बजाय भारत में पढ़ने जाना चाहते हैं क्या कहेंगे हमारा नेबर कंट्री जिसे हम ब्रदर कंट्री कहते थे आज वो हमारा दुश्मन मुल्क क्यों बन बैठा है। जी मैं अगर ये बात करूँ ना कि आप शुरू से देखें कि अगर आप हिस्ट्री में बात करें ना तो अफगानिस्तान जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान के साथ प्रॉपरली जैसे बंदा कहता ना कि अंदर के अंदर से साथ होना अंदर से पाकिस्तान के साथ नहीं है और इसकी भी कुछ रीज़न् सबसे जो इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो उनके साथ किया रिसेंटली पिछले दिनों में आप बल्कि शुरू से ही हम उनके साथ बुरा करते आ रहे हैं तो जिसकी वजह से अगर वो इंडिया को चूज़ कर रहे हैं तो फिर इंडिया में कोई बात है जिसकी वजह से इंडिया को चूज़ कर रहे हैं ना तो इसका यही मकसद है कि हमें कम अज़ कम जो है ना एज़ अ मुस्लिम क्योंकि वो हमारे भाई हैं मुसलमान है इंडिया वाले मुस्लिम तो नहीं है ना तो एज अ मुस्लिम उनको हमें सपोर्ट करनी चाहिए थी लेकिन वो इंडिया को कर रहे हैं ये हमारे अंदर की खामिया जिनकी वजह से वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे अंदर की खामियां है कि हमारा ब्रदर कंट्री हम तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था कि भारत ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई पाकिस्तान ने मदरसे बनाए तो यार भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे होंगे मैं लिख के देता हूँ लिख के देता हूँ भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें होंगी लिख के देता हूँ होंगी गारंटी होंगी क्योंकि यहाँ ऐसा सीन है कि आप देखें किसी भी हिस्टोरिकल मंदिर पर जाएं उसके सामने आपको मस्जिद मिलेगी या तो उस मंदिर को ही डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर मस्जिद मिलेगी या आजकल जो नए मंदिर बन रहे हैं तो वहाँ कहीं देख लें आप मस्जिद आपको मिल ही जाएगी मिल ही जाएगा रीज़न क्या है रीज़न आपको पता है मैं उस बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा ये टॉपिक ही नहीं है वो टॉपिक यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के कमर चीमा कह रहे हैं साजिद तरार कह रहे हैं कि भारत ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई पाकिस्तान ने बनाए मदरसे तो यार देखो यार होता क्या है कि अगर आपका कंट्री रिलीजन के नाम पर अलग हुआ है और वहाँ पर मदरसा एक बहुत इम्पॉटेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसा अब कई लोग यहाँ पे इंडिया में एक बार डिबेट चालू हुई थी मदरसे बंद होने चाहिए ये वो फलाना ठिकाना तो कई लोगों ने बोला सरस्वती शिशु मंदिर भी बंद होने चाहिए यार मैं गारंटी से कहता हूँ यार मैं खुद सरस्वती से पढ़ा हुआ हूँ सरस्वती में अगर ऐसा कुछ भी सिखाया जाता हो कुछ भी सिखाया जाता हो केवल वहाँ पर प्रार्थना होती है और भोजन मंत्र होता है विसर्जन मंत्र होता है इसके अलावा मेरे हिसाब से तो और कुछ वहाँ पर रिलीजियस के बारे में तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता हाँ गुरुओं का सम्मान माता पिता का सम्मान यही चीज़ें सिखाई जाती हैं ये चीज़ नहीं सिखाई जाती हैं कि भाई जो कि मदरसे में शायद सिखाई जाती हूँ कुरान में पढ़ाई गई हैं कि काफ़िर ये फलाना ठिकाना जो कि एग्जैक्टली लिखा हुआ वो चीज़ नहीं सिखाई जाती है तो ठीक है इतना ही होता है बाकी एजुकेशन ही होता है सरस्वती के बच्चे बहुत टॉप पे गए हैं और सरस्वती अब तो शायद हिंदी मीडियम होने के कारण सरस्वती में लोग एडमिशन नहीं कराते हैं लेकिन सरस्वती बहुत टॉप का स्कूल रहा है सारे इंडिया में आप देखें तो जाने तो यार सीरियसली मतलब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ शायद वो समझ गए होंगे लोग तो पाकिस्तान में जो मदरसें हैं तो यार मदरसे हैं तो बेचारे बच्चे शायद वहाँ पे जाते हैं तो क्या कर सकते हो यार कोई ऑप्शन ही नहीं है उनको वहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं मिल सकते सस्ते सरकारी स्कूल नहीं मिल सकते तो मदरसे में ही जाएंगे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ही मिल जाए तो वही इनफ है आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ कॉमेंट में दें अपनी राय चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर